यस गुड मॉर्निंग बेटा. यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मूलाज ऑफ आई थिंक क्यूब क्यूबॉइड कोन सिलेंडर एंड स्फीयर हेमिस्फीयर. ठीक है. देयर आर फ्यू मोर फॉर्मूलाज दैट आर वेरी वेरी इजी. लुक हियर, फर्स्ट इज अबाउट क्यूबॉइड. जो मेन फॉर्मूले थे वो आपको करवा दिए, लेकिन ये उसके अलावा एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा मीन्स जो जनरल चीजें हैं उसके बारे में. देखो यहाँ पे ये क्यूबॉइड है, ये इसकी क्या है, ये क्या है, और ये अब लेंथ है ये. आप मुझे बता सकते हो इसके कितने एजेस हैं? हाउ मेनी एजेस आर देयर? ट्वेल्व एजेस हैं. अब ट्वेल्व एजेस में से लेंथ कितनी बार है? चेक करो लेंथ कितनी बार आ रही है. फोर बार. ब्रेथ कितनी बार आ रही है? देखो फिगर में, देखो इधर मेरी तरफ नहीं, उधर देखो फिगर में. ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी और ये भी. लेंथ कितनी बार है? ब्रेथ वन टू थ्री फोर. ब्रेथ कितनी बार है और हाइट कितनी बार है? फोर बार. मतलब ट्वेल्व को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो. ट्वेल्व एजेस हैं. ट्वेल्व एजेस में जो आपके पास है फोर लेंथ है, फोर बार ब्रेथ है और फोर बार हाइट है. अगर आप इसमें से फोर कॉमन ले लो ये क्या बन जाएगा? ये किसका फॉर्मूला बन गया बता सकते हो? ये फॉर्मूला हमने लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है? ये सब है क्या? फॉर्मूला लिख दिया, ये है क्या? फोर टाइम्स एल, फोर टाइम्स बी, फोर टाइम्स हाइट. सबको ऐड कर रहे हो. ऐड कब करते हैं? पेरीमीटर में. तो ये किस तरह इसका क्या बन गया? सॉलिड शेप का पेरीमीटर बन गया. पहली बात तो ये सॉलिड शेप का पेरीमीटर नहीं होता, उसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है. तो ये एक तरह से देखा जाए तो सम ऑफ एजेस बन गया. क्या बन गया? बात समझ आई है? तो पेरीमीटर कहो या सम ऑफ एजेस कहो एक ही बात है. तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? सम ऑफ ऑल एजेस. किसकी बात कर रहे हैं हम? ये किसके एजेस का सम है? क्यूबॉइड की. अगर आपसे पूछा जाए क्यूब के एजेस का सम बताओ, क्यूब के कितने एज होते हैं? सेम होते हैं 12. और हर साइड की लेंथ क्या होती है? ए करी थी ना हमने कल, तो 12 ए होगी. यहां पर तो सारे डिफरेंट थे ना, तो आपने एल बी एच लिख दिया. अगर हम बात करते हैं क्यूब की, सारे सेम है, सारे सेम है, तो सम ऑफ एजेस क्या बन जाएगा? 12. अगर ये क्लियर नहीं है तो बता सकते हैं करके. ए प्लस ए प्लस ए कितना बन जाएगा? कल मैंने आपको बताया था ना, क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड हूज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल. तो सारे अगर इक्वल हो जाएंगे तो ए ए ए रिप्लेस कर देंगे सब जगह. ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? थ्री ए. और थ्री फोर का क्या हो जाएगा? तो वो वही है. क्लियर है? ठीक है. अब एक और बात, हम अभी जिस रूम में है ये क्यूबॉइड शेप में, अगर इसमें एक लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ निकालनी हो, लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ निकालनी, तो रॉड कौन सी होगी? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी या हाइट होगी? डायगनल. वेरी गुड. आप लेट क्यों आती हो क्लास में? घर से 5 मिनट पहले नहीं चल सकते? स्कूल का टाइम है कोई? फर्स्ट बेंच पे आओ. हाँ जी. अब जिस रूम में है ये क्यूबॉइड है, चाहे क्यूब भी हो, कोई भी चीज हो, क्यूब या क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं,
जो इसमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड होगी ना, वो इसका डायगोनल होगा। इसका एग्जांपल है, सुनो इधर, एक रेक्टेंगल है, आपको पता है, आपने किया, सब कुछ हुआ है, लेकिन आप रिकॉल नहीं करते या हम सोचते नहीं है तो हमें क्लियर नहीं होता। ये रेक्टेंगल है, सपोज इसकी ब्रेड्थ 3 है और लेंथ इसकी 4 है, तो इसके डायगोनल की लेंथ क्या आएगी? क्या आएगी? इतना इजी है। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। हाँ जी, 5 आएगी। इसका फॉर्मूला पता है, 7th क्लास में करा था मैंने ही, करवाया था, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये ट्रिपलेट का फॉर्मूला है। ये पाइथागोरस थ्योरम कि कोई भी तीन नंबर जो होते हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए उन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तो अगर एक ब्रेथ इसकी 3 है, लेंथ इसकी 4 है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 5। ये कहां से आया? पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो आप ये देख रहे हो, लेंथ और ब्रेथ से बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर रेक्टेंगल के केस में हाइपोटेन्यूज बड़ा आ रहा है, तो क्यूबॉइड के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट से बड़ा आएगा क्या? जो डायगोनल है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी लेंथ हो जाएगी। लेंथ ऑफ डायगोनल कह सकते हो, डायगोनल कह सकते हो, या लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड भी कह सकते हो। ये आता है एग्जाम में, बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आता है जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखोगे, 1 नंबर में ये आ जाता है। ठीक है, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले ये नोट कर लो जो मैंने लिखा है, तो सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बिना फॉर्मूले लर्न किए मत आ जाना स्कूल। बता सकते हो क्या आएगा? आपको आता है? एक मिनट, ये देखो, ये रेक्टेंगल है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, सॉरी लेंथ है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच क्या आता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझ आया? ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब आप यहां से स्क्वायर रिमूव करोगे, यहां स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया हाइपोटेन्यूज का, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब आया है? जब ये टू डायमेंशनल शेप है। अगर यही 2 की जगह 3 हो जाए तो क्या आएगा? प्लस एच स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात समझ आई? एक्चुअली वो 3D शेप है, इसलिए 3 चीजें आएंगी। डायगोनल का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एनी डाउट? हाँ जी जसलीन, अगर मैंने ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बता दिया, तो डायगोनल ऑफ क्यूब बता सकते हो क्या होगा? क्यूब की क्या क्वालिटी होती है? मैंने बताया अभी भी, बोलो जसलीन। साइड सेम होती है, तो क्या करेंगे इसकी जगह? क्या आ जाएगा? बोलो पहले, जो पहले पूरा बोलो, उसके बाद आंसर आएगा। क्या आएगा यहाँ? क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर। अब उस रूट से बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? कौन सी इनमें से रूट से बाहर आ सकता है? बोलो, ठीक बोल रहे हो, बोलोगे तो आएगा, बिना बोले कैसे आएगा? आप बताओ। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3A स्क्वायर, इनमें से कौन सी टर्म रूट से बाहर आ सकती है?
फ्री नहीं आ सकता। रूट से बाहर कब आता है? जब कोई चीज पेयर में होती है। तो ये पेयर में है ए इंटू ए, क्या हो जाएगा पुष्टि? बोलो रूट थ्री, बोलो मगन। आप लोगों ने बोलना नहीं है, उसके बाद दोबारा पूछा फिर म्यूट के हो गए। दोबारा बोल देते एक बार, हम भी तो आपको दस दस बार बोलते हैं। एक बार बोला नहीं सुना, दोबारा बोल दो। ए डबल बार है यहाँ पे, ये दो बार है, और रूट में से जब कोई चीज पेयर में होती है यू कैन टेक इट आउट, तो ए बाहर आ गया। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है रूट थ्री ए। क्लियर? सिट डाउन। आज आपका होमवर्क है, बिफोर दिस एक्सरसाइज टू एग्जाम्पल्स आर गिवन, तो आपने दोनों एग्जाम्पल रीड करके रफ पे सॉल्व करके आने, और किसी भी चीज को लाइटली मत लेना क्योंकि नेक्स्ट पेपर सब्जेक्टिव है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको अगर आपने अब नहीं पढ़ा तो, क्योंकि जितने भी चैप्टर है कोई ईजी नहीं है, इसके बाद सब में बहुत ज्यादा काम है। ये चैप्टर देखना कितना बड़ा है, अभी एट एक्सरसाइज है। एट एक्सरसाइज का मतलब समझ गए, कम से कम 2 वीक्स का टाइम लग जाएगा, और उस मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करनी है। मेरी वेट नहीं करनी कि मैं मल्टीप्लाई करूंगी, आपने करने हैं। आप आंसर दोगे तो मैं लिखूंगी, नहीं तो मैंने वहीं छोड़ देना। कैलकुलेशन है वो आपने करनी है, और जरा सबका रिस्पॉन्स आए कि बिल्कुल मुंह बंद करके यहां नहीं बैठना। ये देखो इसको कहां बाहर, क्या उसको छोड़। ब्रिजेश उठ के सबसे आगे आ जाओ, इधर बैठो आके। फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड is opened at the top। एक बॉक्स है लेकिन उसका टॉप ऊपर से मतलब वो कवर नहीं है, कितने फेसेस होंगे उसके? वैसे क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, टॉप से कवर नहीं है, ठीक है, मतलब उसका लिड नहीं है। 5 साइड्स होगी उसकी, मतलब 5 फेसेस हो गए। अब आपने क्या करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। लेंथ गिवन है 1.5, ब्रेथ गिवन है 1.25, और हाइट गिवन है 65 सेंटीमीटर। फाइंड द, इट इज ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट की थिकनेस को इग्नोर करना है, जितनी भी थिकनेस है जो भी दी हुई है उसको नहीं लेना, बस आपने ये देखना है कि बॉक्स को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने में। अब ये देखो ये इस तरह से क्यूबॉइड हो गया ना, मतलब ये ऊपर से खाली है, ये वाला फेस नहीं है, 5 फेसेस है, ठीक है। अब 5 फेसेस है इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करो ये रूम, हम रूम में है, ये क्यूबॉइड है, ऊपर वाली सीलिंग नहीं है, ठीक है। अब आपने ये बताना है इस रूम को बनाने में कितना मटेरियल लगा है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो क्या होता है जगनूर? हाँ जी, एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इनटू एच। और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, कर सकते हैं,
बड़ा काम क्यों करना है, जो मैं बता रही हूँ ज्यादा बेटर है, वो भी बता सकते हैं लेकिन मैं बता देती हूँ। बेस क्या हो जाएगा, एल इंटू ये लेंथ इंटू, आप इस रूम में बैठे हो, आप नीचे देखो फ्लोर पे, आपको पता चल जाएगा ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ, तो एल इंटू बी। अब एक और बात भी हो सकती है, अगर ऐसे नहीं करना तो एक तरीका और भी है, सारा प्लस कर लो टोटल सरफेस एरिया में से, टॉप को माइनस कर दो, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस सीलिंग दैट इज एल बी, वो भी कर सकते हैं, पर बेटर टू टेक दिस जो मैंने पहले बताया आपको। एक बात और, पहले सारा यूनिट्स चेक कर लेनी है, अगर यूनिट की प्रॉब्लम है तो आंसर ठीक नहीं आएगा, पहले यूनिट को सेम कर लेना। हाँ जी, एरिया ऑफ शीट, जितने मटेरियल से बॉक्स को आपने बनाया दैट इज ट्वाइस ऑफ, ये क्या लिखा है मैंने अभी, ये क्या लिखा है, चारवी प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ जी, कन्वर्ट करना है, बोलो जी आ, कन्वर्ट कैसे करेंगे इसे, किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको या इसको, कौन सा इजी है, हाइट को करेंगे, डेसिमल में आ जाएगी ना वो, बेटर ये है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओ तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 150, ये बन जाएगा 125, ये ऑलरेडी 65 है, हमने किया क्या है 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 150 आ गया, क्लियर है, ये क्लियर है, कहां से आया है, ये आपके पास सारे सेंटीमीटर में आ गए। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द शीट ट्वाइस, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट प्लस एल बी 150 इंटू 125, करो सॉल्व, इन दोनों को प्लस करो। हाँ जी, ये पुष्टि, ये 65 इसके साथ है कि इनके साथ है, हाँ जी, प्लस करके 275 इंटू 65 प्लस 150 इंटू 125 किसको, 40 इसको, टू 75 को 130 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करके आंसर बोलो क्या है, टू 75 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 125 कहाँ है, 65 इंटू टू 130 है, 13 से करो, 130 से नहीं 13 से करो, जीरो लगा देना साथ में, आंसर बोलो मल्टीप्लाई करके जल्दी से, किसका, इसका 3 प्लस करके बोलो क्या आएगा, 3 करो, ये आ गया एरिया ऑफ शीट, और ये सारी कैलकुलेशन बोर्ड से नोट नहीं करनी, अपने आप करो साथ में, अगर नहीं कुछ बोला तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर जो है रुपीस 20 है, हाँ जी, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है, आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, उसको मीटर में चेंज करेंगे, हाँ जी, क्या बन जाएगा,
3.98। क्यों किससे डिवाइड करना है? 100 से थोड़ी करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 × 100 से करना है। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 100 से डिवाइड करते, अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लेके जाना है। दो बार है ना, तो दो बार 100 से डिवाइड करेंगे। इसको चेंज कर लेते हैं, 3.98 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है तो 3.98 की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 3.4। भी क्या करेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, किसको? हाँ जी आंसर बोलो। 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड नहीं करना, इनको पहले मल्टीप्लाई करो। डिवाइड ना अवॉइड करनी है, 0 की कटिंग नहीं करनी, 0 को ऐसे ही रख लेना, 0 हटा के डेसिमल। कहाँ क्या आ रहा है? ये मल्टीप्लाई चेक करिए आपने, ये मल्टीप्लाई चेक करिए किसी ने, ये मल्टीप्लाई करिए किसी ने, चेक करा 125 को 18, ठीक करो, प्लस करके बोलो क्या आएगा। फाइव ये भी चेंज हो जाएगा, क्या आएगा? 5.45 मीटर स्क्वायर। 5.45 × 20 मैं आपको बता रही थी, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो ना तो कटिंग नहीं करनी, 0 रख लेना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देना। अब आप एक बात सोचो, अगर आप इसकी कटिंग करते 2 1s are 2, 2 5s are 10, फिर 5 से डिवाइड करते, ऐसे आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा ना, आपको एक काम करना पड़ा, वो था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ज्यादा ईजी है, पहले आप कटिंग करते 5 आ जाता, फिर आप डिवाइड करते, दो काम करते ना। अब आपने सीधा मल्टीप्लाई किया, डेसिमल लगा दिया, बस। अवॉइड करना है, जब डिनोमिनेटर में 0 है तो कटिंग नहीं करनी, 0 हटा के डेसिमल लगा। ये जो चीजें हैं यही तो ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई तो सारे करते हैं लेकिन एक दिमाग से करते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। आंसर चेक करें, डन। धैर्य, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। हाँ जी, व्हाइट वॉश करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। वॉल्स को भी व्हाइट वॉश करना है और सीलिंग को भी, सेम है। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग क्या है? यही एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग का हो या बेस का हो, एक ही बात है, दोनों का एरिया तो सेम ही है। हाँ जी, लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 5। ब्रेड्थ, हाइट, कॉस्ट गिवन है। चलो हम ये क्या कर रहे हैं, एरिया या क्या फाइंड कर रहे हैं, ये क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया टू बी व्हाइट वॉश, एरिया टू बी। एक्चुअली आप टोटल लिखोगे तब भी रॉन्ग है, कर्व्ड लिखोगे तब भी रॉन्ग है, क्योंकि ये कर्व्ड के साथ सीलिंग भी तो है। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एरिया दैट इज टू बी व्हाइट वॉश, तो एरिया टू बी व्हाइट वॉश। ठीक है, आ जाओ दिव्या, करो कंप्लीट जल्दी।
अब जब छोटी कैलकुलेशन है तो आप वर्बली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं सारे स्टेप लिखने हैं। 4 + 5 क्या हो गया? 9, 9 3 = 27 × 2 = 54, सीधा लिखो 54, ठीक है। (74 meter square) कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 7.50। हाँ कर दो, कर दो 7.50 rupees है। हाँ मल्टीप्लाई बाय 74 कर दो, सीधा कर दो। 1 meter square की कॉस्ट 7 rupees 50 paise है, तो 74 मीटर की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 74 × 7.50। अब कटिंग नहीं करनी, क्या करना है? कटिंग नहीं करनी, क्या करना है? मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देना, डिवाइड नहीं डेसिमल लगा, 0 से 0 नेक्स्ट स्टेप में कट कर देना, अभी लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में हटा देना। एक जीरो और भी तो आएगी, आएगी ना, कितना आंसर है? ठीक, एक जीरो और कैंसिल करो, वो भी नहीं करो, ठीक, ये आ गया। उस रूम को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट 555 rupees आएगी। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसके फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है। अगर रूम जो है रेक्टेंगुलर है, फ्लोर रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है जतिन? जतिन हो आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × L + b। ये आपको कितना दिया हुआ है? 250 इक्वेशन में गिवन है, ठीक है। If the cost of painting the four walls of ₹10 per meter square is 15,000, कहता है अगर इसी रूम की जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है फ्लोर का, उसकी फोर वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट टोटल 15,000 आती है, मतलब 1 meter square की कॉस्ट 10 rupees है। क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है? 10 meter square is ₹15,000, मतलब 10 meter square को पेंट जब करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेट है पर मीटर स्क्वेयर है ये, मतलब 1 meter square के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है 10 rupees के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो 15,000 rupees टोटल लगते हैं उस रूम को पेंट करने में, ठीक है। अब ये जो पेंट करने की वो बात कर रहा है ना, वो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स कर रहा है, सिर्फ फोर वॉल्स, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है पुष्टि फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का? (2) length + breadth (height), ठीक है। कॉस्ट गिवन है, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, टोटल कॉस्ट जब भी गिवन होती है अगर उसको 1 meter square की कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है? इधर देखो, अभी आपने क्या किया, ये एरिया था, एरिया को 1 meter square की कॉस्ट के साथ किया तो टोटल कॉस्ट आ गई। अब आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, 1 meter square की कॉस्ट दे रखी है, अगर आप मल्टीप्लाई करके ये आता है और अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं? एरिया आ जाएगा। सुनो इधर, मैं कहूं 2 × 3 = 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा?
थ्री से करोगे तो क्या आएगा, सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर ये आ रहा है। जब आप इस आंसर को इससे डिवाइड करोगे तो एरिया आएगा, एरिया से डिवाइड करोगे तो 1 मीटर की कॉस्ट आएगी, आएगी या नहीं? सेम यही है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? एरिया। एक्चुअली डिपेंड करता है इसके ऊपर, अगर ये एरिया है तो एरिया आएगा, अगर ये वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम आ जाता, डिपेंड करता है इस यूनिट पे, अगर यहाँ मीटर होता तो पेरीमीटर आ जाता। बात समझ आई? लिखा नहीं कहीं हुआ, आपने देखना है, मीटर है मतलब पेरीमीटर है, डिवाइड करके पेरीमीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर है डिवाइड करके एरिया आ जाएगा, क्यूब है तो क्या आ जाएगा? बात समझ आई? ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ देखने का तरीका है कि कैसे आया है। अब सुनो, ये 4 बॉल्स हैं, इसको पेंट करना है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से अगर डिवाइड कर दो तो एरिया आ जाएगा, किसका? 4 वॉल्स का। और 4 वॉल्स का एरिया होता क्या है? 2L+B × H, जिसमें से 2L+B की वैल्यू दे रखी है तो H आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आया हुआ एग्जाम में बहुत बार। देखो इधर, कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश सीधा लिखो या पेंट, ₹15,000। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2L+B × इज इक्वल टू 1500। इसकी वैल्यू क्या है? लिख दो इसकी जगह 250। एच इसके साथ क्या हो रहा है? ये इधर जाके क्या हो जाएगा? एक ही बात है, एक ही बात है, आपने गलत आंसर। 7 कैसे आएगा? 7 नहीं आएगा, 6 आएगा।